नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि कल जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया कि 23 मार्च को जो घटना घटी थी बिहार विधानसभा में, उसके बाद अभी तक किसी भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने यह कह दिया है कि हम सदन का पूरे तरीके से बहिष्कार करेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ कांग्रेस की विधायिका हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब मैम, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? पहला तो मांग है कि विधायकों को जो 23 मार्च को विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसे पूरा बिहार शर्मसार हुआ, विधानसभा कलंकित हुआ। हम लोग मांग करते हैं कि जो अधिकारी इसके कृत में शामिल थे उनको निलंबित करके कार्रवाई की जाए और कुमार जी माफी मांगे। पर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने गलती की है, इसलिए वो सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष ने कोई गलती नहीं की है, विपक्ष जनता की मांग को लेकर के सदन में बैठता है। आप पुलिसिया कानून लाइएगा, जो बनाएगा वो विधेयक लाइएगा, और हम चुपचाप बैठ करके उसको पास होते देखते रहेंगे। जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी, और ये लोग मनमानी सिर्फ कर रहे हैं, सत्ता के मद में चू रहे हैं। चूंकि सत्ता जनता ने इनको नहीं दिया, ये डकैती करके सत्ता में आए हुए हैं, इसलिए अपना मनमानी कर रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं। पुलिस के दम पर सदन चलाना चाहते हैं। तो क्या आज आप लोग सदन के अंदर जाएंगी? नहीं, हम लोग बाहर ही जाएंगे, हम लोग राज्यपाल से मिल करके इसकी शिकायत करेंगे। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि हम आज सदन का पूरे तरीके से बहिष्कार करते हैं। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बिहार विधानसभा की पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो आज आप लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मांगे हैं, अवैध बालू खनन पर जिस तरह से सरकार ने दो चार मछलियों को पकड़ा है, ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इसमें सरकार के सफेदपोश भी शामिल हैं। पर बालू खनन में दो दो एसपी, कई अधिकारियों पर भी सस्पेंड कर दिया गया। एसपी को अब सरकार किस नीति के तहत किया? औरंगाबाद और बक्सर में अगर बालू जाती है तो रोहतास जिले से होकर के जाती है, रोहतास जिले में बालू की खनन होती है, रोहतास जिला के किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। कैमूर के रास्ते जाती है बालू उत्तर प्रदेश में, कैमूर जिले के किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि आज आप लोग सदन का बहिष्कार करेंगे? हाँ, सदन का हम लोग बहिष्कार। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से जो 23 मार्च की घटना घटी थी, उसके बाद किन्हीं भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको देखते हुए आज वो सदन का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो विपक्ष के विधायक सदन के अंदर जाते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।